नमस्कार, मैं बीरबल धाकड़ ग्वालियर मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर कोचिंग से एक बार फिर से आपसे मैं रूबरू हुआ और हम फिर से चर्चा करेंगे कुछ विषय को लेकर के। मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का 27% आरक्षण इस बार से लागू हुआ है और इस बार केंद्र सरकार ने भी क्या कर दिया, 27% आरक्षण लागू कर दिया। उसी के अनुसार कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें सिलेक्शन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा। तो मैंने कि पहले सीटों की चर्चा कर लेते हैं कि कितनी सीटें हैं। तो हम बात करते हैं दोनों विश्वविद्यालयों के अंदर सीटों की संख्या पता लग जाएगी कितनी सीटें हैं, उस बेस पर उनका कट ऑफ क्लियर लग जाएगा, पता कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो ओबीसी रैंक जब पीएटी का एग्जाम होता है तो उसमें अनुसूची में नीचे ओबीसी की रैंक दी जाती है, ऑल ओवर रैंक दी जाती है और ओबीसी रैंक दी जाती है, एसटीएससी रैंक दी जाती है, ईडब्ल्यूएस की रैंक दी जाती है, सभी रैंकें दी जाती हैं। तो यहां से ये हमें पता लग जाएगा कि ओबीसी की कितनी रैंक है श्रेणी में, तो हमें सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे छात्रों को ये पता ही नहीं है, सोर्स भी मालूम नहीं है कि टोटल ओबीसी की सीट्स कितनी है। तो हम बात करते हैं यहां से, तो चलो ठीक है। आज हम देखते हैं कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का जो हमें सीन दिखाई दे रहा है, इसी के तहत हम राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के तहत हम ग्वालियर में सीटों की बात करेंगे, कितनी सीटें हैं। तो हम बात करते हैं, सीटों को दो हिस्सों में डिवाइडेशन कर लेते हैं, नंबर एक फ्री सीट में, नंबर दो पेमेंट सीट में। तो फ्री सीट में हम बात करेंगे किस किस की, दो हिस्से हैं इसकी भी, बीएससी एजी की बात करेंगे। बीएससी एजी में हम देख रहे हैं हम लोग कितनी सीटें हैं, बीएससी एजी में 58 सीटें हैं, कितनी है 58 सीटें हैं, और बीएससी हॉर्टिकल्चर में सीटों की संख्या 12 है। यदि दोनों को जोड़ लिया जाए तो 70 सीट करीबन बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर दोनों में मिलाकर के। उसी अनुपात हम बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट कितना है, तो पेमेंट के लिए बीएससी एजी के लिए 12 सीटें हैं और बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए 2 सीटें हैं। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 14 सीटें हमें मिलेंगी। यदि पेमेंट और फ्री दोनों को यूनिवर्सिटी में एक साथ देखें तो हमारे सामने 84 सीटें, कितनी 84 सीटें यानी 84 सीटें हमें राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के तहत मिलेंगी, ठीक है। और इसमें जो दिया हुआ है अलग से ये ओबीसी कृषक की सीटें 5, वो ओबीसी कृषक की इसी में से 5 सीटें उन छात्रों के लिए जिन छात्रों ने कक्षा 5 और कक्षा 8वीं गाँव से पास किया हुआ है या उनके पास कृषक प्रमाण पत्र मौजूद है। तो यहाँ ये इसी में इंक्लूड है, अलग से नहीं है। चलो ठीक है, तो हमने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के तहत हमने ये समझ लिया है। उसी प्रकार से हम लोग अब जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में भी अब उसी प्रकार से सीटों का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से कि फ्री सीटें कितनी है, तो बीएससी एग्रीकल्चर की 104 सीटें हैं, कितनी है बीएससी एग्रीकल्चर की 104 सीटें हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर की कितनी है 32 सीटें हैं, फॉरेस्टी की 6 सीटें हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय फॉरेस्टी कराती है जबकि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय नहीं कराती है ना। अब हम एक दो तीनों को अभी जोड़ लिया जाए तो 142 सीटें हमारे सामने आती हैं, कितनी आती हैं 142 सीटें हैं, किसकी हैं फ्री सीटें मानी गई हैं। अब आती है बात इसमें पेमेंट की, तो पेमेंट सीटें हमारे बीएससी एजी में कितनी 21 सीटें हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर में 6 सीटें हैं और बीएससी फॉरेस्ट्री में 1 सीट है, कहां पर जेएनके बीबी जबलपुर में, ठीक है। अब हम जेएनके बीबी में सभी सीटों को जोड़ लें तो करीबन कितनी सीटें प्राप्त होती हैं 170 सीट करीबन प्राप्त होती हैं, कितनी होती हैं 170 सीट प्राप्त होती हैं। यदि हम बात करते हैं ओबीसी कृषक की सीटें, इसी में 7 सीटें हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। अब हम बात करते हैं जो जो सीटें मिली हैं वो हमें 27% आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण के अनुसार सीटें मिली हुई हैं। अब हम दोनों यूनिवर्सिटियों की यदि सीटों को जोड़ लें तो दोनों यूनिवर्सिटियों की सीटों को कितना है, उसमें कितनी थी हमारे पास, इसमें 170 सीटें हैं, कितनी है 170 सीट इसकी हो गई और 84 सीटें, कितनी 84 सीटें हमारी उसकी थी। तो दोनों के मिलाकर के हम बात करते हैं 254 सीट करीबन आपको मिलती हैं, कितनी 254 सीटें। चलो ठीक है, इस प्रकार से हम बात करते हैं कि ओबीसी के सभी छात्रों को बधाई है। तो जिन छात्रों की ओबीसी रैंक 254, कितनी 254 रैंक से करीब है या 254 रैंक है, उनका तो होना तय है, क्या है उनका तो होना तय है। अब उससे ऊपर कुछ बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं,
क्यों हो जाते हैं एब्सेंट उसकी वजह बता देता हूँ कि कुछ छात्रों का हमारे यहाँ से ICER में हुआ है और PAT में भी हुआ, तो ICER में हमारे बच्चों का 98-97% इस बार आई है। तो जो बच्चे हमारे ICER में ले चुके हैं उन्हें PAT भी दिया है तो PAT में भी सिलेक्शन हुआ है, तो जो ले चुके हैं तो अपनी यहाँ पर तो नहीं लेंगे तो उनकी सीटें कुछ खाली हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में ये 254 से हमारे पास लगभग 300 तक जाने की संभावना रहेगी, कितने तक, ओबीसी रैंक 300 है। इसके बाद एक और होता है इसके अंतर कि कुछ छात्र मेरिट के अनुसार जनरल में जा सकते हैं, क्या है, इनको मेरिट के अनुसार हमेशा जनरल में ट्रांसफर किया जाता है, तो वहाँ पर बच्चे, कुछ बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं, कुछ बच्चों के 130, 140, 147 तक बच्चों के नंबर हैं अपने, तो लगभग यहाँ तक हम बात कर सकते हैं, तो जो टॉप 10 तक के भी बच्चे हैं तो उनको मेरिट के हिसाब से जनरल में क्या किया जाता है, मेरिट में दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये ओबीसी की कुछ सीटों की संख्या और बढ़ सकती है, तो कुल मिला के उन छात्रों के लिए बहुत बहुत बधाई है और भी इसके पात्र रहेंगे, 27% आरक्षण से उनको कुछ लाभ मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में एक बात और है कि इसको थोड़ा सा क्या करें, इसका लाभ लेते रहें तो थोड़ा सा बेल आइकन को भी दबाएं, शेयर भी करें, ये आपका दायित्व बनता है। मेरा दायित्व था कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी, अब ऐसे छात्रों तक पहुंचाना आपका दायित्व बनता है जो बार बार कॉल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा पता ही नहीं लग रहा है कितना है, तो आप उन छात्रों तक शेयर करके पहुँचाएँ।